सेम उसी लेवल पे फूड परचेज एंड फूड मार्केटर्स. आई हैव वर्क विद टीम, वी डेवलप्ड एन एनएससी नेशनल कमेटी ऑफ इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट्स. उसमें जो जो फूड की परचेजिंग थी और फूड की जो मार्केटिंग थी वो फूड ग्रैड कर रहे हैं. बहुत छोटे लेवल पे बता रहा हूँ लेकिन बढ़ाया जा सकता है. अगर एक बंदा कमोडिटी खरीद रहा है दुनिया में, फूड की कमोडिटी खरीद रहा है, अहमद भाई, अगर एक बंदा आपके लिए फूड के इंग्रेडिएंट्स की परचेसिंग कर रहा है, ठीक है, आप सिर्फ नंबर बॉय के ऊपर यकीन रखेंगे या उस बच्चे के ऊपर भी यकीन कर सकते हैं जिसको उसकी केमिस्ट्री का भी पता है, उसके जाया होने का भी पता है, उसकी सप्लाई चेन की इंटीग्रेशन का भी पता है, उसकी शेल्फ लाइफ का भी पता है, उसकी माइक्रोबायोलॉजी का भी पता है, उसके एक दूसरे के साथ क्रॉस कंटेमिनेशन का भी पता है, उसकी स्टोरेज का भी पता है. मैं अगर एग्जीक्यूटिव हूं किसी कंपनी का या खुदा मुझे मेरी अपनी कंपनी दे, मैं ऐसे बच्चे को हायर करूंगा फूड परचेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, जो फूड को भी जानता है, सिर्फ एक बिजनेस को या नंबर्स को नहीं जानता. ये भी एक बहुत बड़ी स्पेस है. उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी जिराफ फूड में. जिराफ फूड जो है वो फूड मार्केटर्स को हायर कर रहे हैं, ठीक है. आई सिट ऑन द नेशनल फूड प्रोसेसिंग बोर्ड ऑफ कैनेडा अल्हम्दुलिल्लाह, एंड जिराफ फूड वाज टेकन एज एन एग्जाम्पल to bring in the food science people into their food marketers. So they have a job now in Canada called as food marketers. Space hai mere bhaiyo, we just need to be little open and innovative. Idhar maine kuch jobs jo is waqt bhi jobs open hai, Sobeys bahut bada chain hai Canada ka, aur uske aap job niche dekh le ki kaun si jobs niche open hai. ग्रोसरी की बायर्स की भी जॉब्स ओपन है कि जो उनके लिए लेके आए. और अगर आप इसको ओपन करके देखें, इसमें उन्होंने साइंस डिग्रीज भी मांगी है, तो जहाँ साइंस डिग्री मांगी है वहाँ फूड साइंस भी नहीं चल सकता.